हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिखाने के लिए कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप, या फिर बुक में भी पिक्चर्स दी हुई होती हैं, वहाँ से भी आप बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन बनाई हुई है, ये तो ये टीवी जैसा लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। उसके बाद ये क्या है, जहाँ जिससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं? कीबोर्ड। इस पे बहुत सारी कीज होती हैं, इसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद इसको माउस, और ये सीपीयू, इसको सीपीयू बोलते हैं जिसमें सारे पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं, और इसको स्पीकर। तो इस तरीके से बच्चों को पिक्चर्स बनाकर आप समझा सकते हैं कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो अब आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पार्ट क्या काम करता है। सबसे पहले मॉनिटर। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, इट इज़ आल्सो नोन एज वीडियो। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? आउटपुट मीन्स जो हमें शो होता है, जो हमें नज़र आता है, जो स्क्रीन पर जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो स्क्रीन पर जो नज़र आएगा वो हमारा आउटपुट कहलाता है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, और ये टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है, और इसको हम VDU भी बोलते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आता है CPU। CPU क्या होता है? इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कंप्यूटर जो भी जितना भी सोचता है या काम करता है, वो सब CPU की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। इट हैज़ मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज, इट हैव नंबर्स लेटर्स एंड सिंबल्स, कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज बोलते हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है, और उन कीज में क्या क्या हो सकते हैं? नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, जो हमें टाइप करने में काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज माउस। इट हैज टू और थ्री बटन्स, इट हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स और प्लेइंग गेम्स। माउस के तीन बटन होते हैं, किसी किसी में दो भी होते हैं, और ये हमें पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने में काम आता है, और हम जब ड्रैग करते हैं उसके लिए काम आता है, कभी कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब हमें ये कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सी क्या जाएगा यहाँ पे, OMMANDS कमांड्स। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, टेलीविजन, और इसके अलावा स्क्रीन। तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्ड बनाकर और उन्हें मिसिंग लेटर्स की तरह कंप्लीट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है राइट, ट्रू और फॉल्स। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, ट्रू। CPU इज द ब्रेन ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर का होता है या कंप्यूटर का होता है? कंप्यूटर का होता है, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे। माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स, ट्रू। माउस हैज वन बटन ओनली, नहीं, टू और थ्री बटन्स होते हैं, तो फॉल्स आएगा। कीबोर्ड हैज मैनी कीज, ट्रू।
सो। उसके बाद आता है मैचिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं दोनों तरफ और उसे हम इससे रिलेट करा के मैच करेंगे। जैसे सीपीयू, सीपीयू का भी हमने डिस्कस किया था क्या हो सकता है, ब्रेन। वीडियो किसको बोलते हैं, टेलीविजन की तरह दिखाई देता है मॉनिटर, इसलिए टेलीविजन। कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा टाइपिंग के लिए यूज होता है। माउस से हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से आप मैचिंग करा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद आता है टिक द टिक्स राइट साइन द मशीन। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें मुझे क्या करना है कि मशीन जो भी है, जो वर्ड मशीन है उसको हमें टिक लगाना है। जैसे कंप्यूटर, फूड और मनी। कंप्यूटर मशीन है, फूड मशीन है या मनी मशीन है, इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो मशीन है? कंप्यूटर, वॉच, शॉप और टाइम, इन तीनों में से कौन सी मशीन है? वॉच, शॉप या टाइम? वॉच। नेक्स्ट वन, कार, रोड, बैंक, इन तीनों में कौन सी मशीन हो सकती है? कार, रोड और बैंक। कार। मूवीज, कार्टून, टेलीविजन। मूवीज और कार्टून तो हो नहीं सकते, टेलीविजन से रिलेटेड है बट ये दोनों मशीन नहीं है, टेलीविजन इज अ मशीन। नेक्स्ट, स्कूल, चॉक एंड कैलकुलेटर, इन तीनों में कौन सी चीज है जो मशीन है? कैलकुलेटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर्स। राइट टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कोई दो फीचर बताने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट वर्क्स वेरी फास्ट, इट नेवर डू मिस्टेक, बहुत तेजी से काम करता है और कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता। उसके बाद फुल फॉर्म्स आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं। VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने इसमें वर्कशीट बनाई है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।